दोस्तों ये वो सरोवर है जहाँ जिस इंसान ने यहाँ जिसे कोढ़ था जिन्हें स्नान करा था और उसका कोढ़ ठीक हो गया और उसी के नाम से। दोस्तों ये बोट लगा हुआ है कोढ़ेला घाट और आप देख सकते हो आज कितनी भीड़ है। आज पूर्णिमा का दिन है, यहाँ टेम्पू और आप मार्केट देख सकते हो कितनी बड़ी है और ये मेरे परिवार फैमिली है। दोस्तों ये छोटी टोकरियाँ हैं, टोकरियाँ एक दो टोकरी खरीद रहे हैं हम भी, बाकी ये मार्केट आप देख सकते हो इस टाइम कितनी दुकानें लगी हुई हैं। दोस्तों गुरुद्वारे में काफ़ी संगत है और धीरे धीरे संगत काफ़ी आती जा रही है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हो दुकानें ऐसे यहाँ लग रही है जैसे मेला लगा होता है। चलो वीडियो के साथ जुड़े रहे दोस्तों। दोस्तों ये यहाँ का गेट है गुरुद्वारे का, आप संगत देख सकते हो। ये बाथरूम है यहाँ। दोस्तों आप संगत देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है मत्था टेकने वालों की और लाइन भी काफ़ी लंबी है। अभी हम सबसे पहले सरोवर की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये वो सरोवर है जहाँ जिस इंसान ने यहाँ जिसे कोढ़ था जिन्हें स्नान करा था और उसका कोढ़ ठीक हो गया और उसी के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो ये वो सरोवर है। दोस्तों मैंने भी अभी 5 स्नान कर लिया, अब चलते हैं प्रसाद की तरफ। प्रसाद लेके मत्था टेकते हैं, लाइन में लगते हैं। और मैं देख सकते हो आप कितनी सारी मछली है और कितनी बड़ी बड़ी। दोस्तों यहाँ प्रसाद की पर्ची मिलती है, यहाँ लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ से पर्ची लेने के बाद दूसरी जगह से प्रसाद लेंगे। हम भी लाइन में लगे हुए हैं। दोस्तों पर्ची लेने के बाद यहाँ कड़ा प्रसाद के लिए लाइन लगाई जाती है, ये जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। दोस्तों ये लाइन लगी है मत्था टेकने वालों की। दोस्तों अब हम चल रहे हैं लंगर की तरफ। ये लाइन आप देख रहे होंगे ये सब लंगर की तरफ जा रही है। लंगर चल रहा है आगे, लंगर घर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है लंगर स्थान और इस तरफ देखो यहाँ जूठे बर्तन धोए जाते हैं, साफ किए जाते हैं। देख सकते हैं लंगर पंडाल है और यहाँ बर्तन साफ बर्तन दिए जाते हैं। दोस्तों आपको गुरुद्वारा पूरा दिखा दिया है और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।